Assalamu alaikum, all my dear student. This is Ravish Khan, and today I will discuss with you the AMU 2019 11 Science and Diploma paper. In this video, we will discuss on the topic of physics part, giving the paper. So, let us start the topic. The question number is 51. Question number 51. यहाँ से हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं इस पेपर के अंदर, और फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे हम यहीं से इसमें करते जाएंगे. जो हमारे पास में इलेवेंथ का साइंस का जो पार्ट होता है एएमयू के अंदर, वो नाइन्थ और टेंथ दोनों के सिलेबस से पूछा जाता है, साइंस में और डिप्लोमा में दोनों के लिए, इलेवेंथ साइंस और डिप्लोमा के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 51 में हमें दिया गया है यहाँ पे, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ से नोट भी कर लेना इसे. अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टेशनरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. How high will the ball rise from the ground ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये चैप्टर नंबर 3 से हैं, जिसे हम ग्रेविटेशनल पढ़ते हैं. उसके अंदर ये क्वेश्चन हमारे वहीं से बन के आ रहा है. क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि एक बॉल है जो ऊपर की तरफ फेंकी गई है, जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, और वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है. द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. ये कहने का मतलब ये है कि कोई बिल्डिंग है, सपोज़ ये कोई बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के ऊपर से बॉल को फेंका गया है. अब वो कितनी हाइट तक बॉल जा रही है ग्राउंड से, वो हमें पता लगा के लाना है. तो जिसकी वेलोसिटी है बॉल को जब फेंका गया, तो उसकी वेलोसिटी को इसने दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड, और जब बॉल ऊपर चली जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी इसका ज़ीरो हो जाएगा. तो हमें यहाँ से पता लगा है कि यू दिया गया है, देन जी की वैल्यू वो दे रहा है हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमारे पास में वी ज़ीरो है, यू की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो डिस्टेंस निकालना है. टाइम इसमें कहीं दिया नहीं गया है, और जब कहीं टाइम नहीं दे रहता होता है तो उसमें मोशन का थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, जिसके लिए ऑप्शन हमें दे रखे हैं 20 मीटर, बी ऑप्शन हमको दे रखा है 35 मीटर, सी ऑप्शन हमको दे रखा है 45 मीटर, एंड डी ऑप्शन हमको दे रखा है 50 मीटर. अब क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कर लेते हैं. हमारे पास में जो इक्वेशन लगी है इसके अंदर, मोशन का थर्ड इक्वेशन जो होता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस के 2GS. जब बॉल को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो उसकी वजह से जी माइनस में हो जाता है. अगर जी माइनस में हो जाएगा तो ये प्लस वाला साइन माइनस बन जाएगा. अब जो गिवन वैल्यू है इसके अंदर पुट कर लेते हैं. वी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो ज़ीरो का स्क्वायर, यू की वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर, माइनस के 2, मल्टीप्लीकेशन जी को 10 लेना है,
एंड मल्टीप्लिकेशन एस, हमें डिस्टेंस पता करना है। तो ये जो हमारे पास में निकल के आएगा, अब हम अगर इसको इधर ट्रांसफ़र करें तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस के 420 का स्क्वायर, और इजिकल्स टू हमारे पास में बचेगा माइनस के 20s। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, टू से 40 20 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एस इजिकल्स टू 20 मीटर आ गया। इसका मतलब ये जो हाइट आई है, अब यहाँ से जो बिल्डिंग से ऊपर हमने बॉल को फेंका था ये 20 मीटर हाइट तक गया है, बट अगर ग्राउंड से बात करेंगे तो ग्राउंड से ये डिस्टेंस जो थी 25 थी। तो 25 तो ये हुई, 20 मीटर बॉल ऊपर गया, तो ग्राउंड से टोटल मिला के 20 प्लस 25, तो बॉल जो है वो 45 मीटर ऊपर गई है ग्राउंड से। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमें दिया गया है यहाँ पे 52। 52 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं, इसे रफ कर लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 52, इसके अंदर हमें दे रखा है एन एथलीट्स कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एट द एंड ऑफ द 240 मिनट। तो इसके लिए क्वेश्चन के लिए हमारे पास में सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ये साइकोलॉजी बेस्ड भी क्वेश्चन है। एन एथलीट्स कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो पता निकाल के लाना है, वो कह रहा है कि एक एथलीट है जो कंप्लीट्स करता है वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर्स 200 मीटर इन 40 सेकेंड। वॉट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एट द 2 मिनट 40 सेकेंड। तो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, सपोज करो ये हमारे पास में सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो 200 मीटर है, और अगर इसका सेंटर माने तो ये रेडियस हो गया, और ये रेडियस जो होगा इसका 100 मीटर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस जो होता है हमारे पास में आर इजिकल्स टू डी बाई टू होता है, तो डी अगर 200 है तो ये हो जाएगा हमारे पास में 100। और पूरी डिस्टेंस अगर हमें सर्कुलर ट्रैक के निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, जिसको हम रख सकते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन π की वैल्यू 3.14, मल्टीप्लीकेशन r की वैल्यू 100, 100 से दोनों जीरो हट जाएंगे यहाँ पे, 2 मल्टीप्लीकेशन 3.14, इसका डबल कर देंगे तो 628, इतने मीटर का इसका पूरा ट्रैक है सारा, सर्कमफेरेंस सारी डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस जो है वो कह रहा है एक राउंड को कंप्लीट करने में 40 सेकंड लगाता है, 40 सेकंड लगाता है, तो इसका मतलब हमें पता लग गया है यहाँ पे कि ये जो हमारे पास में पूरा एक बार घूम रहा है तो 40 सेकंड लगेंगे, यानी 40 सेकंड में वो 628 मीटर चला जाता है। 40 सेकंड में कितना चला जाता है वो 628 मीटर, क्योंकि एक पूरा राउंड कवर करता है कितने सेकंड में करता है, 40 सेकंड में करता है। अगर 1 सेकंड की बात करेंगे हम यहाँ पे तो 1 सेकंड में हमारे पास में आ जाएगा 628 डिवाइड बाई 40 मीटर, और हमें निकालना कितना है 2 मिनट 20 सेकंड में, 2 मिनट 20 सेकंड का अगर हम मिनट में कन्वर्ट कर लें
तो उसके लिए 2 गुना 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, प्लस में 20, तो टोटल हमारे पास में कितने सेकंड आ गए अभी यहाँ पे? यहाँ पे आ गए हमारे पास में 60 दूनी 120, 120 और 20 कितना हो गया? 140। तो इसका मतलब अगर हम 2 मिनट 20 सेकंड में निकालेंगे, तो 2 मिनट 20 सेकंड यानी कि 140 सेकंड, 140 सेकंड में हम 1 सेकंड वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 144 मल्टीप्लीकेशन 628/40। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से कैंसिल आउट हो सकता है, देख लेते हैं। 4 1 ज़ा 1, यहाँ पे हमारे पास में 2 बचे। अब जब यहाँ पे 2 बच गए, तो यहाँ से 2 से 1 इधर कैरी चला गया, तो ये चला गया हमारे पास में 2 बच गए, 2 से ही अब यहाँ पे 22 हो गए, और 4 5 से 20, फिर से 2 हो गए, और फिर यहाँ 2 हो गए, तो 20 28 हो गया, 4 7 से 28, तो 14 की मल्टीप्लिकेशन 157 में कर लेते हैं, जो आ जाएगा हमारे पास में वो आंसर हो जाएगा, जिसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं हमें यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए है 2200, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है हमको 1200, ऑप्शन नंबर सी हमको दिया गया है यहाँ पे 700, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है हमको यहाँ पे 200 मीटर दिया गया है। अब इसके लिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर को अपने टिक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है यहाँ पे 53, और 53 क्वेश्चन के अंदर जो हमें पूछ रहा है, ये क्वेश्चन भी हमारा चैप्टर नंबर सेकंड से है, फोर्स अलाइन मोशन से, जिसको अभी इसको रफ कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 53, 53 क्वेश्चन के अंदर हमको दिया गया है, अ व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। इफ द मास ऑफ द व्हीकल इज 500 kg, द फोर्स एग्जर्टेड बाई द इंजन। तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो दिया गया है, यहाँ पे मास मिला है, वेलोसिटी मिला है, डिस्टेंस मिला है, तो तीनों का यूज़ कर लेते हैं। ए, अ व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेंस अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। If the mass of the vehicle is 500 kg, the force exerted by the engine. Exerted by the engine is, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर जो मिला है, अ व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसके 0 है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उसके बाद आफ्टर अटेंस कवरिंग अ डिस्टेंस, तो इसका मतलब वेलोसिटी जो फाइनल वाली दी गई है वो 72 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, जिसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 4 72 होता था, ये 20 मीटर पर सेकंड आ गई है हमारे पास में, और डिस्टेंस दिया गया है हमें यहाँ पे, डिस्टेंस दिया गया है 100 मीटर, तो डिस्टेंस का एस इज इक्वल टू हमें मिला है 100 मीटर। तो इफ़ द मास ऑफ द व्हीकल, अगर मास की बात कर रहा है, तो मास दिया है हमें यहाँ पे 500 kg, तो पूछा है हमसे फोर्स, एफ पूछा गया है हमसे, और इसके लिए जो ऑप्शन दे रखे हैं इसने क्वेश्चन के अंदर, वो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हमें यहाँ पे 20 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी दिया है हमको यहाँ पे 100 न्यूटन, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है हमको यहाँ पे 500 न्यूटन, और ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है हमको यहाँ पे वो 1000 न्यूटन। तो ये यहाँ से पहले हम एक्सेलरेशन पता करेंगे इन तीनों की हेल्प से।
अब टाइम यहाँ पे नहीं है तो मोशन का थर्ड वाला इक्वेशन ही लगेगा, वी स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर प्लस के 2ए एस, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास में नहीं है। अब अगर हम यू की बात करें तो जीरो है, तो इसका मतलब जीरो का स्क्वायर, वी कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर इक्वल्स में हमारे पास में प्लस में 2 मल्टीप्लीकेशन एक्सेलरेशन हमें पता करना है, और डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पे 100, यानी कि एस की वैल्यू 100 हो गई। तो जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन 100 हो जाएगा, 100 के दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन हो गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इजिकल्स टू एम ए। एम की वैल्यू हमें यहाँ पे 500 दिया गया है और ए की वैल्यू 2 है, तो 500 टू ज़ा होता है 1000, तो इसका मतलब फोर्स जो आ गया है वो 1000 न्यूटन आ गया है। तो इसमें जो ऑप्शन हमें दे रखे थे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 1000 न्यूटन ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ये क्वेश्चन भी हमारा चैप्टर नंबर सेकंड से ही है, फोर्स लाइन मोशन से, इसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पे हमको दिया गया है अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg स्ट्राइक अ वॉल नॉर्मली विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एंड रिबाउंस विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इज मोमेंटम ऑफ द बॉल इज। तो क्वेश्चन को पहले नोट कर लेते हैं, अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg स्ट्राइक्स अ वॉल नॉर्मली विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एंड रिबाउंड and rebounds with a speed of 20 meter per second. The magnitude of change in momentum मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल इज। तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑप्शन दिया गया है 1 kg meter per second, उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी दिया गया है यहाँ पे हमें 2 kg meter per second, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है हमको यहाँ पे 3 kg meter per second, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है हमको यहाँ पे 5 kg meter per second। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें मास दिया गया है बॉल का, और मास जो दे रखा है गिवन वो 0.1 kg है। उसके बाद में हमें यहाँ पे इसके दो वेलोसिटी दी गई हैं, एक वेलोसिटी ये है जो यू है, ये कितनी है हमारे पास में 30, तो इसको रखेंगे हम यहाँ पे यू की वैल्यू को 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में हमें दिया गया है यहाँ पे वी रिबाउंस, यानी उल्टा हट के जो आ रही है ये वाली वेलोसिटी, दूसरा वी मान लेते हैं इसको 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों की दोनों जो वेलोसिटी दी गई है, अब ये उल्टी हट के आ रही है, रिबाउंस हो रही है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो उस वजह से नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा लिया जाएगा। अब उसके बाद में हमें निकालना है चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला होता है dp = mv - ku, अगर याद हो आपको, तो ये हमारे पास में चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला। अब यहाँ पे जब चेंज ऑफ मोमेंटम का, अगर हमने कोई बॉल को स्ट्राइक किया बॉल पे, तो जाके टकराई या टकराने के बाद वापस आई है, तो दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। वैल्यू दिया गया है हमें यहाँ से 0.1 मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे ये दिया गया है हमें 20 माइनस के 30,
ये भी माइनस में, तो दोनों कितनी हो जाएगी माइनस में 50। अब माइनस में 50 मल्टीप्लीकेशन है 0.1, तो इसका मतलब जब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो 5 kg/s के हमारे पास में वो उल्टा हट के वापस आ रहा है चेंज ऑफ मोमेंटम का, तो ये ऑप्शन नंबर 5 इसका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55 इसे रफ कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन में हमको यहाँ पे दिया गया है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ स्टोन वेगिंग 2 kg एंड द अर्थ ऑफ वेग 6 × 10^24 kg 19.6 newtons, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ। तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा है और सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ये भी ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से है, द ग्रेविटेशनल द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ स्टोन बिटवीन अ स्टोन वैगिंग ऑफ 2 kg एंड द अर्थ वैगिंग इज 6 × 10^24 kg इज 19.6 newton। वॉट विल बी द एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ। क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए 9.8 m/s², ऑप्शन नंबर बी हमको दिया गया है यहाँ पे 19.6 m/s², ऑप्शन नंबर सी हमको दिया गया है 2.2 × 10^24 m/s², ऑप्शन नंबर डी हमको दिया गया है यहाँ पे 3.3 × 10^24 m/s². ये चार ऑप्शन है क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है हमारे पास में, एक स्टोन है जिसका वेट कितना है 2 kg, तो एम की वैल्यू हमारे पास में 2 kg, अर्थ का मास दे रखा है हमें यहाँ पे कैपिटल एम, इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में कैपिटल एम ये दिया है 6 × 10^24 kg एंड फोर्स दे रखा है हमें यहाँ पे 19.6 newton, तो उस वजह से हम यहाँ पे फोर्स को रखेंगे 19.6 newton। तो हमें इसकी जो वैल्यू पता करनी है जी की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता करने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला आता है एफ इजिकल्स टू एम जी, मास 2 kg, 19.6 newton, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। अब इस जी की वैल्यू पता करेंगे तो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लेंगे 9.8, तो जी की वैल्यू जो हमारे पास में निकल के आ गई वो 9.8 m/s² निकल के आ गया है, तो यहाँ पे हम इसके लिए रख लेते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें यहाँ पे 56, वो भी इसी चैप्टर से है बट फ्लूड वाले टॉपिक है इस चैप्टर का, वो डेंसिटी वाला, उससे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फ्लूड वाले टॉपिक से, डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट से, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर इमर्ज्ड इन वाटर एंड
टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर इमर्ज इन वाटर, द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर 200 केजी एंड 100 केजी रेस्पेक्टिवली। एंड रिलेटिव डेंसिटी आर इज रो ए एंड रो बी। इफ द वॉल्यूम वॉल्यूम्स ऑफ बोथ आर ऑब्जेक्ट आर 2 meter cube then the ratio of relative density of B and A रो ए आर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखेंगे यहाँ पे 1/2 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सी बी में दे रखा है 1/3, सी पे दे रखा है 1/4, डी में दे रहे हैं यहाँ पे 2/3। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे मिला है दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी जो पानी के अंदर इमराइज किए गए हैं और उसका जो मास है वो 200 kg एंड 100 kg है।